गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष गुप्ता फ्रॉम शिवज्योति एजुकेशन ग्रुप। टुडे वी विल स्टडी पॉलिटिकल साइंस रिवीजन वर्क पॉलिटिकल थ्योरी बुक का चैप्टर 5 राइट्स। ओके बेटा, लेट्स वी स्टार्ट राइट्स। तो राइट्स क्या है? राइट्स आर प्राइमरीली दोज क्लेम्स विच आर नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ और रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। क्या जरूरी है? एक वो क्लेम्स जो कि हमारी लाइफ को जीने के लिए जरूरी है, हमारी डिग्निटी के लिए जरूरी है, रेस्पेक्ट के लिए जरूरी है। यानी राइट्स के बिना अगर हम ये सोचें कि पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। बिकॉज पर्सनैलिटी के लिए भी उसकी डिग्निटी होनी चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। डेट्स वाई राइट्स वो क्लेम्स जिसके बेस के ऊपर उस पर्सन की डिग्निटी और रेस्पेक्ट मेंटेन करती है। तो राइट्स आर दोज कंडीशन और गारंटी विच द स्टेट प्रोवाइड्स टू एवरी सिटीजन इन ऑर्डर टू अटेन बेस्ट लाइफ इन सोसाइटी। यानी राइट्स क्या है? वो कंडीशन या फिर जो गारंटी जो कि स्टेट एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड्स होती है हर एक सिटीजन को, जिससे कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर एक बेस्ट लाइफ प्रोवाइड कर सके। यानी उसके साथ में राइट्स के बेस के ऊपर क्या कह सकते हैं? किसी तरह का कोई किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो वन ऑफ द राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन इन अवर कंट्री एंड इन मैनी अदर्स इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब कई सारी चीज की हम बात करें क्या, जो वन ऑफ द राइट्स जो ग्रैंड हमारे सिटीजन्स को हमारे कंट्री के अंदर स्वीकार किया गया, और बहुत सारे दूसरे फ्रीडम मूवमेंट के बेस के ऊपर सामने आए थे कि भाई ये राइट्स भी लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए। तो दिस राइट इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस फॉर वर्कर्स। अब ये जो राइट्स हैं वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि लेबर्स टेंड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अवेलेबल नियर देयर होम। यानी दीज काइंड ऑफ पर्सन, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यार पीपल है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। वाई रीजन भी क्लियर, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर प्लेस। डेट्स वाई दीज काइंड ऑफ पर्सन आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर गेटिंग सम काइंड ऑफ जॉब्स। तो ये भी एक तरह से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी उसको एक राइट प्रोवाइड हुआ लेबर के लिए, माइग्रेट कर सकते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जा करके अपना वर्क कर सकते हैं। तो द लीगल राइट्स आर गिवन बाई द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन विच आर क्लासिफाइड एज सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। अब कई सारे नॉर्म्स होते हैं, कई राइट्स होते हैं। जो राइट्स विच आर रिकोगनाइज्ड बाई द गवर्नमेंट की तरफ से जो रिकोगनाइज्ड हैं उन्हीं को राइट्स को अपन क्या कहेंगे? लीगल राइट्स। यानी कानून रूप से वो राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये राइट्स आपके अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक आपका पॉलिटिकल राइट्स। अब पॉलिटिकल राइट्स एज यू नो डैट राइट टू वोट, वैल्यू ऑफ देयर वोट इज इक्वल, दैट इज पॉलिटिकल राइट। सोशल राइट्स इक्वलिटी के बेस के ऊपर हम लें, सोसाइटी के अंदर आप रहें, पीस एंड हारमोनी मेंटेन रहे, ये राइट्स आ गया। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स जो आपको सिटीजन्स के वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं और कोई भी गवर्नमेंट उसको आपसे छीन नहीं सकती है, सस्पेंड कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसको आपसे छीन नहीं सकती है। तो उनको फंडामेंटल राइट्स बोला गया। अब राइट्स के साथ में ऑब्वियसली ड्यूटीज भी जरूरी है। तो ड्यूटी क्या है? इज एन ऑब्लिगेशन बाई विच वी आर बाउंड टू समथिंग विच कैन बी क्लासिफाइड एज फंडामेंटल ड्यूटीज, लीगल ड्यूटीज एंड मॉरल ड्यूटीज। यानी जिस तरह से राइट्स को हमने डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज को भी क्लासिफाइड किया गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक सिटीजन के रूप में आपको अपने कर्तव्य निभाने हैं। जस्ट लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज, लीगल ड्यूटीज आप कोई गैर कानूनी काम ना करें, एंड मॉरल ड्यूटीज यानी मॉरलिटी के बेस के ऊपर वर्क किया जाए, किसी के साथ में किसी भी तरह का कोई अत्याचार वगैरह ना हो। अब बिल ऑफ राइट इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी गिवन ए प्राइमरी इंपॉर्टेंस नॉन एज फंडामेंटल राइट्स। यानी एक बिल ऑफ राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया गया और उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उसी राइट्स को क्या बोला गया है? फंडामेंटल राइट्स। अब जस्ट लाइक जो फंडामेंटल राइट्स है आपके राइट टू फ्रीडम, आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन एटसेट्रा एटसेट्रा, देर आर मेनी काइंड ऑफ राइट्स। तो डेट्स वाई फ्रीडम के बेस के ऊपर ही हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्लस्टर ऑफ राइट्स भी इसको कहा गया है। तो पॉलिटिकल राइट्स गिवन टू द सिटीजन द राइट टू इक्वलिटी एंड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अब राइट टू इक्वलिटी के बेस के ऊपर हम चलें तो ये
राइट्स है जो फंडामेंटल राइट्स के बेस के ऊपर गिवन है, पॉलिटिकल राइट्स है, ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर इक्वल, देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन वेदर द पर्सन इज रिच और द पुअर, और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर एनी काइंड ऑफ पर्सन हुज एज इज अबव 25 ईयर्स एंड अबव कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, और वी कैन साइड ए कंटेस्ट इलेक्शन वगैरह के अंदर पार्ट कर ले सकता है। तो उसके बेस के अंदर यानी उसकी कास्ट के बेस के ऊपर, कलर के बेस के ऊपर उसके साथ में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज डैट सच डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड बाई नेगोशिएशन एंड डिस्कशन रेदर दैट फोर्स। तो जो मेन प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का उसको किसको माना गया है कि बिकॉज सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर देर आर मेनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट, और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, ओपिनियन के बेस के ऊपर डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, तो उन डिफरेंसेस को बातचीत के जरिए सोल्ड किया जा सकता है, ना कि किसी बलपूर्वक उसको सोल्ड किया जाए, ऐसा नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजनशिप, ये सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन माना गया है, यानी अगर कोई डिफरेंसेस क्रिएट होता है तो उन डिफरेंसेस को हम बातचीत के जरिए आपस के अंदर बैठ करके पीसफुल तरीके से सोल्ड कर सकते हैं, फोर्सफुली उसको सोल्ड ना करें। अब इकोनॉमिक राइट्स, तो इकोनॉमिक राइट्स गिव्स द राइट टू एंजॉय द अपॉर्चुनिटी टू अर्न वंस ऑन लाइवलीहुड टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। अब इकोनॉमिक हर एक पर्सन को राइट्स है कि वो अपना काम करे, जो भी उसको अच्छा लगे वो काम कर सकता है अपने पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो वर्क लीगली वैलिड होना चाहिए। तो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली को रन करने के लिए वो पैसा कमा सकता है, यानी अर्लियर बिफोर सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन आर रिजर्व फॉर द पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, बट नाउ प्रेजेंट टाइम कैसा भी कोई ऑक्यूपेशन जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी लाइवलीहुड को उससे आप अर्न कर सकते हैं। बट राइट्स कैन बी एंजॉयड ओनली इफ ए पर्सन इज कमिटेड टुवर्ड्स द ड्यूटीज आल्सो। अब राइट्स के बेस के ऊपर अपन कहें तो इसको एंजॉय कब किया जा सकता है, अगर एक पर्सन अपनी ड्यूटी जो उसको है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो उसकी पर्सन की ड्यूटी है उसी को भी वो फॉलो करे और अपने राइट्स का भी यूज मिले, तो वो फिर उस अपने राइट्स को एंजॉय कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने राइट्स को तो एंजॉय करें और ड्यूटीज़ को आप फॉरगेट कर दें, ये चीज़ नहीं चलेगी। यानी जहाँ आपके राइट्स हैं वहीं पर ही आपकी ड्यूटीज़ भी है। द इशू ऑफ वेदर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप मीन्स दैट ऑल सिटीजन रिच और पुअर शुड बी गारंटीड सर्टेन बेसिक राइट्स एंड ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाई द स्टेट। तो जो इशू था इक्वल मेंबरशिप यानी सारे लोग बराबर है, इसका मतलब ही क्या था कि जितने भी सिटीजन हैं चाहे वो रिच है चाहे पुअर है उसको बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की बेसिक राइट्स की गारंटी प्रोवाइड की गई है, यानी वो उन राइट्स को नेचुरल राइट्स टाइप कहा गया है जिसमें कि वो पर्सन अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से उस चीज़ की डिमांड कर सकता है। द की कॉन्सेप्ट इन मार्शल्स आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इज डैट ऑफ इक्वलिटी, यानी जो मेन चीज़ जो मानी गई है इसके अंदर वो इक्वलिटी को माना गया है। तो दिस इम्प्लाइज टू थिंग, अब इसके दो चीज़ें आती है, पहला है दैट क्वालिटी ऑफ द गिवन राइट्स एंड ड्यूटीज इम्प्रूव्स, यानी इसके बेस के ऊपर जो आपको राइट्स हैं उनकी आपकी क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी है, साथ में अपनी ड्यूटीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपके कर्तव्य हैं उनको भी आपको फॉलो करना है। तो डेट द क्वान्टिटी ऑफ पीपल अपॉन हुम दे आर बेस्ट आउट ग्रुप, यानी जो मेन चीज़ क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके सोशल वेलफेयर के लिए वर्क किया जाए जिससे कि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो, उनका भी इम्प्रूवमेंट हो। तो मार्शल सीज सिटीजनशिप एज इन्वॉल्विंग थ्री काइंड्स ऑफ राइट, अब इसके बेस के ऊपर तीन तरह के राइट्स आते हैं, एक सिविल राइट है, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट। अब सिविल राइट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल लाइफ, यानी आप रास्ते के अंदर जा रहे हैं ये कोई नहीं कि आपके ऊपर कोई अटैक कर दे, तो उसको भी ये आपके लाइफ सिक्योर हो, तो ये सिविल राइट आप किस में आएगी आपका सिविल राइट्स के अंदर है। लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की, आपके अपनी प्रॉपर्टी को आप अरेंज कर सकते हैं एक सही तरीके से, लिबर्टी आपकी आज़ादी है, आप कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं सिविल राइट्स के अंदर। पॉलिटिकल राइट्स इनेबल्ड इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, यानी आप प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके पास राइट टू वोट प्रोवाइड है, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, जीत करके आते हैं तो आप गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सोशल राइट्स गिव्स द इंडिविजुअल्स, यानी इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल्स को राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं सोसाइटी के अंदर, यानी कि उसके अंदर किसी के साथ में किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो।
अब आता है हमारा मॉरल ड्यूटीज। तो मॉरल ड्यूटीज इंक्लूड ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, नेबर, ह्यूमैनिटी एटसेट्रा। अब इसके अंदर यानी क्या चीज़ दी गई है कि आपके जो मॉरल ड्यूटीज है इसके अंदर इंक्लूड्स हैं आपकी आपकी फैमिली के लिए आपके क्या कर्तव्य हैं, खुद के लिए क्या है, सोसाइटी का क्या है, नेबर्स के लिए आपके रूल्स क्या हैं, ह्यूमैनिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप वुड मीन दैट प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन शुड बी वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप यानी ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन आर इक्वल, उस बेस के ऊपर सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं और सबकी लाइफ को एक तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, यानी किसी के साथ में किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी इस टाइप से बनाई गई है कि हर एक पर्सन को अपने राइट्स का एंजॉय करें। अब लीगल ड्यूटीज़ इसके अंदर आपकी जहाँ राइट्स की बात करते हैं तो लीगल ड्यूटीज़ की भी बात करें, यानी आपको लॉ को फॉलो करना है, आपके ऊपर जो टैक्सेज हैं चाहे इनकम टैक्स है या दूसरे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो लगी हैं उनको आपको पेमेंट करना है, टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री सर्विस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो, गवर्नमेंट को कॉपरेट करें, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, लीगल ड्यूटीज़ के अंदर आती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिटीजनशिप एज्यूम्स डेट अवर स्टेट कैन प्रोवाइड अस विद द प्रोटेक्शन एंड राइट्स विच वी नीड टू लिव विद डिग्निटी इन द वर्ल्ड टूडे। तो जो कॉन्सेप्ट है नेशनल सिटीजनशिप का उसमें क्या माना जाता है कि हम अवर स्टेट कैन प्रोवाइड अस विद द प्रोटेक्शन एंड राइट्स विच वी नीड टू लिव विद द डिग्निटी। एक हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमको ये राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसके अंदर हम रेस्पेक्ट के साथ में, डिग्निटी के साथ में सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर रह सकते हैं। तो ऑन 10th of December 1948 जनरल असेंबली ऑफ द UN एडॉप्टेड प्रोटेक्शन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इस दिन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपना डिक्लेरेशन दे दिया था कि एज ए कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड ऑल नेशन, ये जितने भी लोग हैं जितने भी कंट्रीज के लोग हैं सबके पास में एक बेसिक राइट्स उनको मिलने चाहिए और ये ह्यूमन राइट्स का कहीं सर्वे कहीं तक भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।